नंबर 5, नेक्रोबेटिक्स। कभी कभी नई भविष्य की टेक्नोलॉजी अद्भुत विकास की पेशकश कर सकती है। भविष्य को बदलने की संभावनाओं के साथ साथ अविश्वसनीय रूप से डरावनी भी हो सकती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें मृत चीजों को रोबोट में बदलना शामिल है, जबकि यह एक खौफनाक हॉरर फिल्म की साजिश की तरह लगता है। दरअसल यह राइज यूनिवर्सिटी में एक तकनीक का पता लगाया जा रहा है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक मकड़ी को रोबोट जैसे ग्रीपर में बदल दिया। इसे प्राप्त करने के लिए वे एक मकड़ी को लेते हैं और इसे हवा से इंजेक्ट करते हैं। यह काम करता है क्योंकि मकड़ियां अपने अंगों में ब्लड से होमोफिल्स को मजबूत करने के लिए हाइड्रोलिक्स का यूज करती हैं, जिससे वे फैलते हैं। अभी यह अवधारणा अपने इनिशियल स्टेज में है, लेकिन इसका मतलब एक ऐसा भविष्य भी हो सकता है जहां मरे हुए जानवरों से विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए मदद मिल सकती है। नंबर 4, ब्रेन रीडिंग टेक्नोलॉजी। अब साइंस फिक्शन कोई ट्रैप नहीं, हाल के वर्षों में ब्रेन रीडिंग तकनीक के उपयोग में काफी सुधार हुआ है। हमने अब तक परीक्षण किए गए सबसे दिलचस्प और व्यवहारिक उपयोग में से एक स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉजिन के शोधकर्ताओं से पता चला है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, एक रोबोट आर्म और एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ ये शोधकर्ता दुनिया के साथ बातचीत करने के लिए टेट्राप्लाजिक रोगियों जो अपने ऊपरी या निचले शरीर के हिस्से को हिला नहीं सकते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए कामयाब रहे हैं। परीक्षणों में रोबोट आर्म एक सब्जेक्ट के चारों ओर घूमने जैसे सरल कार्य करेगा। एल्गोरिदम तब तक ECG कैप का उपयोग करके मस्तिष्क के संकेतों की व्याख्या करता है और स्वचालित रूप से निर्धारित करता है। समय के साथ एल्गोरिदम तियों की वरीयताओं और मस्तिष्क संकेतों को समायोजित कर सकता है। भविष्य में यह मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित व्हीलचेयर या टेट्राप्लाजिक रोगियों के लिए सहायता मशीनों का कारण बन सकता है। नंबर 3, एक्सोस्केलेटन। लोकप्रिय विज्ञान कहानी और वास्तविक जीवन दोनों में एक्सोस्केलेटन वर्षों से मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए टेक्नोलॉजी तेजी से और प्रभावशाली होती गई। विशेष रूप से हाल के वर्षों में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी अब युवाओं के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो गई है। एटलस 2030 को विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन किए गए सबसे उन्नत मोबाइल मेडिकल एक्सोस्केलेटन के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि यह अभी तक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है, यह तकनीक भविष्य में बच्चों की सहायता कर सकती है। यह गंभीर न्यूरोमस्कुलर रोगों, सेरेब्रल पाल्सी या स्पाइना बिफिडा वाक वाले बच्चों की मदद कर सकता है। नंबर 2, 3D प्रिंटेड बोन्स। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा उद्योग है जो सस्ते घर के निर्माण से लेकर सबसे मजबूत कवच तक सब कुछ का वादा करता है, लेकिन तकनीक के सबसे दिलचस्प उपयोगों में से एक 3D प्रिंटेड हड्डियों का निर्माण है। कंपनी ओएसिस फॉर्म मेडिकल 3D प्रिंटिंग में माहिर है, जो मानव हड्डियों के समान गुणों वाले मटेरियल्स जैसे कि ट्राइकैल्शियम फास्फेट से अलग अलग हड्डियों का निर्माण करती है। इन 3D प्रिंटेड हड्डियों का उपयोग आश्चर्यजनक रूप से आसान है। पहले अस्पताल में एक MRI परफॉर्म किया जाता है, जिसके बाद उसे ओएसिस फॉर्म भेजा जाता है, जो रोगी के टूटे हुए हड्डी का एक 3D मॉडल तैयार करता है जिसकी आवश्यकता होती है। सर्जन डिजाइन को स्वीकार करता है और फिर एक बार प्रिंट हो जाने के बाद इसे सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन 3D प्रिंटेड हड्डियों की खास बात यह है कि ट्राइकैल्शियम फास्फेट के उपयोग के कारण शरीर में लगाए जाने के बाद ये 3D बोन्स मौजूदा नेचुरल हड्डी से मिलकर फिर से अपना काम नेचुरल तरीके से करने लगते। नंबर 1, एनर्जी स्टोरिंग ब्रिक्स। वैज्ञानिकों ने घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली लाल ईंटों में ऊर्जा को स्टोर करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। सेंट लुइस मिसौरी USA में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की देखरेख में शोधकर्ताओं ने एक ऐसी विधि विकसित की है जो सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री को स्मार्ट ईंटों में बदल सकती है, जो बैटरी की तरह ऊर्जा को स्टोर कर सकती है। हालांकि अनुसंधान अभी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फेज में है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इन ईंटों से बनी दीवारें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित कर सकती हैं और एक घंटे के भीतर सैकड़ों और हजारों बार भी रिचार्ज की जा सकती हैं। सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के केमिस्ट द्वारा विकसित लाल ईंट उपकरण एक हरे रंग की लाइट इमिटिंग डायोड को रोशन करता है। शोधकर्ताओं ने लाल ईंटों को एक प्रकार के एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए एक विधि की विकसित की, जिसे सुपर कैपेसिटर कहा जाता है। इनमें ईंटों के सैंपल्स पर एक कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है, जिसे पेडोट के नाम से जाना जाता है, जो फिर पकी हुई ईंटों के पोरस स्ट्रक्चर के माध्यम से रिसता है तथा उन्हें एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रोड में परिवर्तित करता है।